नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डाक्टर राजकिशोर पाणी आपमान को स्वागत करुची भाग्य भविष्य लाइफ को। दर्शक बंधु आपमान को प्रश्न आपण मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मानकर प्रश्न रहुची समस्या रहुची ताले स्क्रीन रे फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार बहुत जीवन में आपन को कमती कटिपार केमती बहुत भल लाइफ पार्टनर मिलबार अपरच्युनिटी रही आप सब जिन देखुं कहीं बहुत समय आप प्रश्न आवाह को लेकिन केवे म्यारेज हम कहीं म्यारेज विलंब हो आपण लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज आपंकर हो पार से सब जिनस को लेकिन आप मन भितर अधिका कन्फ्यूजन रोचे आलोचना करशेषकर देखुंत आप मैरिज लाइफ केमती रही है, मैरिज पार्टनर आपको केमती मिल पारे, केमती बहुत भल बैलेंस हो पार पर आपण मैरिज पर कहीं मैरिज जो आप कर देखते विशेषकर आप मैचिंग करेचिंग करवा बहुत भल कि मैचिंग पर देखु लग्न को कहीं लग्न आप स्वभाव को जस्टिफाए कै केमती व्यक्ति विशेष रोचते केमती आप आटीच्यूड रोचे केमती आप स्वभाव रोचे देखापी लग्न को देखो लग्न स्वभाव को जस्टिफाए कै जदि लग्न आप बहुत पजिट अच्छे लग्नाधिपति बहुत स्ट्रंग अच्छे आप हरस्कोपे तेल स्वभाव बहुत पजिट रहा भी संपर्क रखिए जहाँ भी संबंध रखिए पर प्रत्येक व्यक्ति सहित आपड़ पजिट रखिए लाइफ पार्टनर सहित आपंक लग्न जी पजिट अच्छे जहाँ सहित मेरेजर प्रपोजाल आसी देखु तर लग्न केजिट अच्छे जदि आप स्वभाव सहित स्वभाव मेच कर बहुत भल आप स्टेप नहीं पारे आगे जापारे मेरेज पर आप आगे जापारे कहीं आपं स्वभाव मेचिंग आसीगला आप प्रोसेस करें मेरेज पर सेकेंड हाउस को देखा दरकार कहीं सेकेंड हाउस परिवार स्थान आपण परिवार केमती रोचान परिवार स्थित केमती रोचे केते संस्कारित परिवार आपंकर देखिया सेकेंड हाउस को देखा जाए केमती कथबार्ता कर प्रत्येक व्यक्ति आपको केप्रिसीएट कर देखापी आपं जतक सेकेंड हाउस को देखु आपंक सेकेंड हाउस जब पजिट अच्छे जहाँ सहित मेरेजर प्रपोजाल आंकर जब सेकेंड हाउस पजिट अच्छे शुभग्रह प्रभाव रोचे एवं आपंकर सेकेंड हाउस को मेच करुच्ची आप प्रोसेस करें कहीं सेकेंड हाउस परिवार स्थान तांकर सेकेंड हाउस पॉजिट अच्छी तेल परिवार सहित परिवार बहुत भल संपर्क रोत भल संबंध मैरिज पर बहुत भल आप बुझामणा रखिपारे आप उभय परिवार आपण कथबार्ता अधिका शालीन स्वभाव रही सेकेंड हाउस पॉजिट अच्छे अधिका सेविंग्स क्वालिटी आपको भितर रही सेकेंड हाउस सेविंग्स हाउस जदि सेकेंड हाउस बहुत पॉजिट अच्छी लाइफ पार्टनर पॉजिट अच्छे तेल सेविंग्स क्वालिटी आपण उभय पॉजिट रहा जड़े कलर जोड़ सहित कथा हेलो नमस्कार नमस्कार कहते जानवे नवेम्बर समय कहतु दिन बारटा बती जन्मस्थान कहतु कौन जाने चाहती आप ठीक अच्छे आज्ञा सब देखा लग्न कुंभ लग्न जेहतु कुंभ लग्न रही वायु तत्व लग्न लग्न उपरे वायु कारग्रह शनि प्रभाव रोचे अधिका हेल्थ को लेकिन प्रत्येक समय स्ट्रगल करना कि दीर्घकालीन रोग आपको अधिका रोचे मानसिक स्थिति एत ठीक रोना मानसिक अस्थिरता लगिक रोचे जेहेतु केतु लग्न पोजिशन रोच प्रत्येक समय जहाँ भी डिसीजन नौते लाइफ में देखी चाहिए डिसीजन नि कहीं बहुत समय कि नेगेटिव डिसीजन हो जाए संपर्क खराब रोचे आपण को आपंकर पर जेहतु सेकेंड हाउस चंद्र पोजिशन रोचे वर्तमान समय चंद्रर तो दशा चलती सिक्स हाउस लॉर्ड चंद्र जेहतु सेकेंड हाउस पोजिशन रोचे अधिका स्ट्रगल कर चंद्र दशा वर्तमान समय चलती लास्ट आपंकर चंद्र सूर्य चलती जोटा कि आपंकर चलुची 5 जून 2022 पर्यंत वर्तमान समय हेल्थ इश्यू आपको लगिक रोचे किंतु मंगल दशा आपको आसबार अच्छी 5 जून 2022 चलबार अच्छे मंगल जेहतु आप 10th हाउस लॉर्ड
टेन्थ हाउस एट हाउस पोजिशन रखुच्छी पॉजिटिव रहिब हेल्थ रे मध्य किछ ना किछ सुधार आपनको आसी पारिब किंतु मंगल जेतु आकस्मिक किछ ना किछ घटना दुर्घटना को दिए से मंगल आप जातक जेतु सेवेन्थ हाउस ए आपनकर टेन्थ हाउस एट हाउस पोजिशन रहुच्छी कर्म क्षेत्र किछ ना किछ अस्थिरता लागिक रहिब फाइनेंशियल स्टेटस मध्य आपन स्ट्रगल करिबे फाइनेंशियल कंडीशन को लेकिन आपन स्ट्रगल करिबे किंतु हेल्थ आपनकर पॉजिटिव रहिब किंतु कैजुअलिटी आसी जिवो आपनको आगक बहुत भल समय आपको आसूँ जेहेतु आप पाँच जून रु मंगल दश चल प्रत्येक दिन बजरंग बाण पाठ करूँ एवं प्रत्येक मंगलवार दिन शिवलिंग कंचक्र छाणतु और सतीष्ठ दुब आपण को नामग्रंथ छाणतु जहाँ भी हेल्थ अच्छी जहाँ भी फ्यूचर अच्छी आपंकर पॉजिटिव रही हेल्थ फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ आप राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में येलो सफेद पिंधतु ब्लैक कलर को टोटाली एवोड करूँ येलो कलर ग्रीन कलर व्हाइट कलर एवं सिल्वर कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल हेल्थ रही फ्यूचर आउ जड़े कलर जो चंदा सहित कथा हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु पुओं जन्म तारीख सेप्टेम्बर बार सेप्टेम्बर समय कहले जन्मस्थान कहतु कौन जाने चाहते पुओं विषय नर्सिंग करें डिसेंबर मास तर कॉन्ट्रैक्ट के जेल रे पाइला गवर्नमेंट के दी अच्छा सर एप जॉब लेटर अपन का आछुनी सर अच्छा ठीक अच्छा गा पकर जा भी प्रश्न होची जॉब को नेकी आपन अधिक चिंतित अछंती आपन को लॉकडाउन होची मकर लॉकडाउन जेतु लॉकडाउन आपन जा भी परिश्रम करचंती केते रिजल्ट पाइबे सेति पाइ देखा जाय लॉकडाउन जेतु मकर लॉकडाउन होची पृथ्वी तत्व लॉकडाउन लाइफ रे अधिक एंबिशन होची किंतु लॉकडाउन अधिपति शनि विलंबर कारग्रह सरी जेहेतु आप थर्ड हाउस एफोर्ट हाउस परिश्रम जगह बकरी अवस्था अच्छी अधिक परिश्रम आप करते परिश्रम रिजल्ट आपको ठीक समय मिल पार ना आप स्ट्रगल करते वर्तमान समय जहाँ भी जॉब को लेकिन आप रिक्वायरमेंट रखुच्चे जॉब पर आप ऑफर लेटर आसबार अच्छी आसी पार ना कहीं शनि प्रभाव रोचे किंतु वर्तमान समय मंगल शुक्र बुध चलती आपंकर जहाँ भी समय बर्तमान चली पॉजिटिव अच्छी आप देखूँ 2022 फेब्रुआरी 20 भितर आपको अपर लेटर आसबार अच्छे किंतु किसी ना कि विलंब रोचे जेहेतु लग्न आप मकर लग्न रोचे लग्नाधिपति शनि बकरी अवस्था रोचे से आप स्ट्रगल करते बहुत बड़ा पॉजिटिव रोचे आपंकर फ्यूचर मानसिक अस्थिरता लगिक रोचे मेन्टाली ट्रेस अधिक रोचे आपको प्रत्येक समय अधिका चिंता करसीसन नहीं जाऊँगी जोटा कि लस हो जाए फिनान्सील लस हो जाए मेन्टाल ट्रेस बढ़ी पड़ जाऊँगी आपको से बर्तमान समय गोटे प्रतिकार करूँ रईट हेंडर लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु आप जब आप फ्यूचर पर आपंकर डेस्टिनी बहुत पॉजिटिव रोक एवं मानसिक अस्थिरता प्रत्येक समय लगिक रोचे रईट हेंडर इंडेक्स फिंगर गोटे ब्लू मुन पिंधतु मानसिक स्थिति और आपंकर फ्यूचर पर जहाँ भी डिसीजन ने लाइफ पॉजिटिव हो पार ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस पाई आप जड़े कलर जो चंदा सहित कथा हेलो हेलो आज्ञा कहतु क्या विषय जानते सर ए पंडा कहती आज्ञा सर जन्म तारीख है 11/12/94 पुंकर दौंस जतक आज्ञा पुंकर कि झीकर जतक दौंस फोन करी जी सर आउ थरे कहले 11 11 12 1994 समय कोंतु समय दिन 3:11 आ गया जन्म स्थान कोंतु बुरला कौन जणे चाहछंती पों को बिचार आपण पुअर मैरिज आउ करियर ऊपर हेलो हां मैरिज आउ करियर मैरिज अच्छा कोन पढा पढी करचंती पु चाकरी पई पढा पढी आईआईटी रूप पास करी की
ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जानक चाहती आप जब मेरेज जानक चाहते आपं लग्न हूँ मेष लग्न लग्न जहाँ भी परिश्रम कर लाइफ एचिवमेंट देखा जाए लग्न लग्न आधिपति मंगल आपस्कोप जेहतु फिफ्थ हाउस पोजिशन रखुच सिंह राशि अधिका स्टेट फरवर्ड अच्छा आप जहाँ भी टेनसन नौ सडनली नौ बहुत समय कि ना कि पजिट हो बहुत समय आपको लस हो जाऊँगी आपं राशि रोचे मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि रोचे छब्बीस बै बार जेहतु चंद्र ट्वेल्थ हाउस पोजिशन रोच प्रत्येक समय कि फिनान्सी लस हो जाऊँगी मानसिक स्थिति ठीक रोना जहाँ भी परिश्रम करश्रम रिजल्ट आपको ठीक समय मिल पारना जेहतु जब आप प्रश्न करुँच टेन्थ हाउस को फोकस करवा टेन्थ हाउस लर्ड शनि सर्विस कारक्रह परिश्रम कारक्रह शनि जेहतु इलेवेन्थ हाउस पोजिशन रोचे शनि विलंब को रिप्रेजेंट कै जेहतु सर्विस हाउस को ओन करुँच सर्विस कि विलंब रोचे कितु बहुत भाला मेच्योर सर्विस आपे वर्तमान समय देखा केतु बृहस्पति कंटिन्यू करुच आग को बहुत भाला समय आस सर्विस बहुत भाला समय आपको आस सर्विस देखो 2022 जून पर 6 जून 2022 पर बहुत भाला सर्विस आपे जहाँ भी पढ़ापढ़ी करोग्यता अच्छी आप हिसाब से सर्विस मिल पार आपको सर्विस फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर पिंधु आप सर्विस आपंकर फ्यूचर पर पॉजिटिव रहा है जेहेतु मैरिज आप प्रश्न रखुच्च सेवेन्थ हाउस को फोकस करवा सेवेन्थ हाउस लॉर्ड शुक्र सेवेन्थ हाउस पोजिशन रखुच शुक्र दाम्पत्य सुखर कारक्रह और स्त्री कारक्रह जेहेतु राहु सहित कंजक्शन करुच्च नेगेटिव रोचे बहार कि ना कि विलंब हो जाए मैरिज जहाँ भी आप प्रोसेस कर आग को बढ़ी पार ना लेट हो जाए वर्तमान समय देखा मैरिज कि ना कि विलंब रोचे अहेतुक विलंब हो संभावना रोचे मैरिज बहुत भल समय आपको आसब 2022 अक्टोबर पर 19 अक्टोबर 2022 पर आप मैरिज हो पार कि मैरिज अधिका नेगेटिव जग रोच सेवेन्थ हाउस पर मैरिजर कारक्रह शुक्र उपर से वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा आपतु चंडी पूजा विशेषकर पत्नी मन रोमाम देही मन वृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारम सागर से कुलोद्भवाम ये मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करूँ आपंक मैरिज आपंकर फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रहा है ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करूँ ग्रीन कलर येलो कलर व्हाइट कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपको आउ जो कलर जो सहित कथा हाँ हेलो नमस्कार नमस्कार कहतु क्या आज्ञा कहतु जो तारीख हो जी 7/9/2004 7 सितंबर 2004 समय कौन तो समय तो प्रॉपर जाननी किंतु राशि जानती बुशो समय कौन तो समय जानी चंती ना सर समय तो जाननी ठीक अच्छा अपन समय कन्फर्म करन तो हम का उतरे कॉल करी परिवे धन्यवाद दर्शक बंधु आलोचना कर चंती कहीं कि ना बॉय भाई को संपर्क को नहीं की आपंकर मन भितर अधिका कन्फ्यूजन आसमि आपंक लाइफ पार्टनर मिल पारे केमती संपर्क रपंकर सहित एवं आपंकर परिवार उत्तम बुझापणा केमती रही पार से आप बहुत समय चिंतित रोचान कहीं मैरिज बहुत समय देखा जाए कि ना कि समस्या क्रिएट हो मैरिज लाइफ रंग लाइफ पार्टनर आप चयस कर बहुत समय मैरिज पर अधिका कि नेगेटिव हो प्रत्येक समय समस्या क्रिएट हो सेतिपाई देखुचंती लग्न को कहीं लग्न आपंकर स्वभाव केमती रोचे आपंकर स्वभाव जेहेतु सॉफ्ट नेचर रोच देखु लाइफ पार्टनर जब सॉफ्ट नेचर रोचे तेल बहुत भला बैलेंस हो पार आपण को आपंकर प्रत्येक कार्य लाइफ पार्टनर सपोर्ट करेंगे साय करेंगे बहुत समय किंतु लग्न जब नेगेटिव अच्छी आप लाइफ पार्टनर नेगेटिव अच्छी आपड़ स्ट्रगल करेंगे प्रत्येक समय किसी ना कि समस्या क्रिएट हम मनमुटाव लग र से देखो विशेषकर देखुंत लग्न को सेकेंड हाउस को फोर्थ हाउस को सेवेन्थ हाउस एइथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को विशेष भाव देखुंत ग्रह मान स्थिति एवं अवस्थित केमती रोचे आपंक मैरिज लाइफ के पजिट रमी डिशन ने आप आउ जो कलेज कथ हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे सर मुझे जानवाक चाहते कहतु भाई जन्म तारीख 25 June 1995 25 June 1995
25 जून 1995 समय कोंतु राति 10टा 7 मिनिट जन्म स्थान कोंतु जन्म स्थान देवस मध्य प्रदेश आउतर डिस्ट कोंतु देवस डी ई डब्ल्यू ए एस कौन जाने चाहुंती भाई को विषय आपण सर मैरिज के पे कौन हबो आ सर जॉब के तले कौन हबो से विषय रे टिके जाने कौन पढा पढी करचंती सर्विस पाई सर इंजीनियरिंग बीटेक करी छी सर अच्छा 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 ठीक अच्छे आज्ञा आपको जहाँ भी प्रश्न रोचे आप मेरेज विषय जाना चाहते जब को लेकिन आप चिंतित अच्छा आप लग्न रोच कुंभ लग्न जेहेतु कुंभ लग्न वायु तत्व लग्न अधिका इंटेलीजेंट आप रोच प्रत्येक समय कि ना कि नुआ जिनस जानापी चेष्टा करम कर लग्न लग्नाधिपति शनि आप जेहतु सेकेंड हाउस पोजिशन रखुच्छे बहुत स्ट्रंग अच्छे आप आईक्यू लेवल जहाँ भी पढ़ुंत बहुत शीघ्र कैच कर एजुकेशन आप बहुत स्ट्रंग अच्छे आप राशि रोच वृष राशि रोहिणी नक्षत्र वृष राशि रोच चार बै दुई जेहेतु वृष राशि लॉर्ड शुक्र बहार कारग्रह शुक्र आप जातक फोर्थ हाउस पोजिशन रखुच्छे डोमेस्टिक हैप्पीनेस देखा जाए फोर्थ हाउस पारिवारिक स्थिति पारिवारिक सुख शांति केमती मिल पार आपन को फोर्थ हाउस शुक्र बुध चंद्र कंजक्शन होधिका शुभ ग्रह प्रभाव रोच मेरेज पर बहुत भल रहा पारिवारिक स्थित बहुत भल पर बुझापणा आपड़ रखिपारे बहुत भल लाइफ पार्टनर मिल पार आपको सेवेन्थ हाउस देखा मेरेज पर मेरेजर हाउस सेवेन्थ हाउस लॉर्ड सूर्य आप जेहतु फिफ्थ हाउस पोजिशन रखुच सेवेन्थ हाउस किंतु मंगल पोजिशन रोचे आप मांगलिक अच्छा जे भी लाइफ पार्टनर आपको मिले सर्विस करुवे अधिका एनर्जेटिक रे अधिका स्टेट फॉरवर्ड रे कि वर्तमान समय देखा मेरेज पर आग को बहुत भल समय आपन को मेरेज हो पार 2023 फेब्रुवारी परे परे 23 फेब्रुवारी 2023 परे परे मेरेज रो जोग रोचे आपको जहाँ भी चाहते रिक्वायरमेंट रखुच्च से हिसाब से आपको लाइफ पार्टनर मिल पारे मैरिज लाइफ मध्य बहुत भल कटिपार जब आप प्रश्न करेन्थ हाउस देखा टेन्थ हाउस लॉर्ड मंगल जेहेतु सेवेन्थ हाउस सिंह राशि पोजिशन हो बहुत भल सर्विस मिल पार कि विलंबर कारग्रह शनि जेहेतु प्रभावित करेन्थ हाउस को से विलंब हो जाए बहुत भल सर्विस आपर सर्विस समय रोचे आप 2022 एप्रिल परे परे 14 एप्रिल 2022 परे परे किंतु अधिक परिश्रम करने को पड़े एफर्ट अधिक करूँ अधिक परिश्रम कले परे बहुत भले मेच्योर सर्विस आपरें सर्विस फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर व्हाइट सैफायर पिंधतु आपको मैरिज लाइफ फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव हो सिल्वर कलर ग्रीन कलर येलो कलर को अधिक यूज करूँ ब्लैक कलर को टोटाली एफर्ट करूँ बहुत बड़ा फ्यूचर अच्छे बहुत बड़ा सक्सेस पाई आउ जने कलर जोड़ चंदा तो कथा पा हेलो ए नमस्कार नमस्कार कौन तो काबिस चढ़ गए रणपुर बोलतले अमितपुर आगे हो सर जने कौन तो जन्म तारीख है 7 मई 1994 7 मई 1994 समय कौन तो सकाळ 4:00 एम सकाळ हेले केत तारीख रहू छी 7 तारीख आगे जन्म स्थान कोन तो जन्म स्थान रणपुर नयागढ़ कौन जाने चाहन छन ती आपण ए गवर्नमेंट जॉब विषय रे ओ मैरिज विषय रे अच्छा 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 ठीक अच्छा गा आप घर सब देखिबा आप लग्न मीन लग्न मीन राशि मध्य आपंकर जेहेतु मीन लग्न रोचे मीन राशि आपंकर रोचे वाटरी लग्न एवं वाटरी साइन मध्य आपंकर जेहेतु लग्नाधिपति राशियाधिपति बृहस्पति आप घर पर 8th हाउस बकरी अच्छी प्रत्येक समय आपण अधिका स्ट्रगल करचंती हेल्थ को लेकिन मध्य एवं लाइफ रे जहाँ भी रिक्वायरमेंट रखुचंती पाइबा पाई अधिका विलंब हो जाउची आपंकु चंद्र मांगली जोग आप जातक क्रिएट होची अधिका स्टेट फॉरवर्ड आप अधिका अन्य को साहाय्य करबा परोपकारी नेचर आप रोचे किंतु बहुत समय विश्वासघातकतार शिकार आप होती बहुत समय आप चिटिंग आपको अधिका करेंगे बहुत समय अन्य को सहजरे विश्वास करके किसी ना कि लॉस कर मानसिक स्थिति बहुत समय खराब रही है आपंकर कहीं चंद्र उपर शनि प्रभाव रोचे अमावास्या पाखापाखी आप जन्म होती मानसिक अस्थिरता हरिनेस लागिक रोचे जहाँ भी डिसन हो देखी चाहिए
ବହୁ ସମୟରେ ଅଧିକା ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା କେତୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ନଭେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛି ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ 2022 ମେ ପରେ ପରେ, 20 ମେ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ବି ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ପତ୍ନୀ ମନୋରମାମ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତାନୁସାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଦୀର୍ଘ ସଂସାରମ ସାଗର ଶୁକ୍ଲୋଦ୍ଭବାମ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ। ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 13/9/2005। 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 7:05। ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା? ସକାଳ ଆଜ୍ଞା। 7:05। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରଣମାଲ। ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ବିବାହକୁ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପିଲାକୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିପାରିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଜାତକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ, ଲଗ୍ନ କେମିତି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ପିଲାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ରହିବ, ପିଲାର ସେଭିଂସ କେମିତି ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ପିଲାର କେମିତି ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବୁଝାମଣା ରଖିପାରୁଛି ପିଲା, କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହୁଛି ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ପିଲାର ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍, ପିଲାକୁ ଯିଏ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିପାରିବେ କେମିତି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ରହିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି ରହିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ମିଳିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। 8th ହାଉସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସ୍ପାନ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଦୀର୍ଘାୟୀ ରହିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ 8th ହାଉସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି 8th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। 12th ହାଉସ୍ରୁ ଦେଖାଯାଏ, 12th ହାଉସ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି,
କେତେ ପଜିଟିଭ ଯୋଗ ଅଛି, କେତେ ନେଗେଟିଭ ଯୋଗ ଅଛି। କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଅଧିକା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ହାଉସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଯୋଗ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ, ସାଂସାରିକ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ସେଭିଂସ କ୍ୱାଲିଟି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଟର୍ମିନ୍ ଆପଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ଡେଡିକେସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ। ଶୁକ୍ର କେତେର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ତାହେଲେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଶୁକ୍ର କେତେର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ବିବାହର କାରକର, ସୁଖ କାରକର ଯଦି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନେଟ୍ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣ ଖରାପ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରକୁ ନେଇକି। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ଉପରେ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, କେମିତି ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।